हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित। सुबस ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग घर निकल रहे हैं गैंगटॉक से। तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ एसएनटी बस स्टैंड और मेरे फ्रेंड्स सब आगे पहुँच गए हैं। वो लोग उधर वेट कर रहे हैं मेरा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, हम लोग एसएनटी बस स्टैंड में घुस चुके हैं। ये गैंगटॉक का बस स्टैंड है, एसएनटी बस स्टैंड। यहीं से हम लोग को सिलीगुड़ी का बस पकड़ना है और सिलीगुड़ी से फिर अपने अपने घर का बस पकड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं। हम लोग का बस अभी थोड़ा बहुत लेट है, इसलिए मैं बस स्टैंड से बाहर निकल रहा हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ बस स्टैंड का बाहर का नज़ारा। तो चलिए बने रहिए। गैंगटॉक का एसएनटी बस स्टैंड से निकलते वक्त का नज़ारा ऐसा कुछ है। बाहर बहुत सारे टैक्सी सब खड़ा हुआ है पैसेंजर लेने के लिए। और ये इधर कुछ ऐसा व्यू निकलता है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है सुबह सुबह। ये है गैंगटॉक का एसएनटी बस स्टैंड का बाहर का नज़ारा, सुबह कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये है गैंगटॉक का एसएनटी बस स्टैंड का बाहर का गेट। सो फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ से दिखाई दे रहा है, एसएनटी बस स्टैंड से दिखाई दे रहा है बर्फीला पर्वत। आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि बहुत ही साफ तो नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, जो कि ऐसा दिखता है। और इसको मैंने दिखाया, ये है यहाँ का पहाड़ और ये चोटी जो कि पूरा पूरी बर्फ़ से ढक गया है। देख पा रहे होंगे आप, ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ। और ये रहा बस स्टैंड, पहुँच चुके हैं। मेरे फ्रेंड्स सब पहले ही पहुँच चुके थे। और इधर आप देख पा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं वो वाला बस में। सभी को यहाँ पे रुके हुए हैं। फ्रेंड्स, हम लोग गाड़ी पे बैठ चुके हैं, बस पे बैठ चुके हैं और बस चालू हो गया। अभी हम लोग निकल रहे हैं गैंगटॉक से। देख पा रहे होंगे बाहर ऐसा, और तो सब बात कर रहे थे, इधर अंकल है मेरे साथ में और उधर मेरे फ्रेंड। चलिए निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं और आप सबको आगे दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपना लंच कर रहे हैं। अभी बहुत सुबह को ही निकले थे तो अभी इधर बीच रास्ते पे बस रुका है, वहीं पे हम लोग लंच कर रहे हैं। ब्लॉग बनाते रहना। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग शुरू कर दिया तो मैं भी खा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं बाद में, बने रहिए। So, friends, अभी हम लोग सिलीगुड़ी जंक्शन पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग बस पकड़ने वाले हैं अभी घर जाने के लिए। तो ये रही हम लोग का बस, इसी बस में जाएंगे जो कि अभी लेट है छोड़ने में। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग उतर चुके हैं अलीपुर में और अभी हम लोग अलीपुर से और दूसरा बस पकड़ने वाले हैं और अलीपुर से अभी घर जाएंगे। अभी बहुत रात हो चुका है अलीपुर पहुँचते, क्योंकि गाड़ी का आज ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा जाम था इसलिए, और गाड़ी भी कम था तो इसलिए आने में लेट हो गया। तो अभी हम लोग अलीपुर पहुँच चुके हैं। ये मेरे दोस्त सभी को हम लोग अलीपुर पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग घर के लिए रवाना दे रहे हैं। चलिए बने रहिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग दूसरे गाड़ी पकड़ने के लिए इधर बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं सामने मेरे दो फ्रेंड आगे आगे चल रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे। काफ़ी भारी भरकम सामान है सभी लोगों के पास में और हम लोग नेक्स्ट गाड़ी पकड़ने के लिए इधर बस स्टैंड पहुंच गए। ये है अलीपुर का बस स्टैंड, बस स्टैंड का बाहर का रोड। चलिए ये वाला गाड़ी में जाएंगे हम लोग अभी। चलिए,
सो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं समुकला का रास मेला पे, जो कि आज लास्ट है। तो आते वक्त सोचा एक बार घुस लेते हैं अंदर, अंदर घुस के एक बार देख लेते हैं कैसा है इस साल का रास मेला। तो चलिए हम लोग भी घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं अंदर कैसा है। तो ये है यहाँ का एंट्री गेट, हम लोग घुस रहे हैं अंदर। देख पा रहे हैं आप अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। फ्रेंड्स अभी हम लोग को यहाँ से लेट हो चुका है, इसलिए हम लोग निकल जा रहे हैं मेला से, इधर से निकलेंगे। सो फ्रेंड्स कल रात को मैं मेरे फ्रेंड सुमन करके घर में था, तो आज मैं घर जा रहा हूँ। मेरा दोस्त मुझे छोड़ रहा है घर, तो अभी देख पाते हैं हम लोग अपने गाँव का नज़ारा। सो ये हम लोग पहुंच रहे हैं मेरा गांव जयंती चाय बागान। यहाँ का नज़ारा आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर, पहाड़ियों के बीच में हम लोग का गांव है। और ये मेरा दोस्त ड्राइव कर रहा है, मुझे छोड़ने जा रहा है मेरा घर। हेलो गाइस, हेलो गाइस, चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर और अभी मैं फ्रेश हो चुका हूं। तो अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं, मैं सिक्किम से कुछ चीज़ें लाया हूं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं मैं सिक्किम से ये सब चीज़ें लाया हूं सिक्किम के मेमोरी के लिए। आप लोग देख पा रहे हैं इसके अंदर है एक बुद्ध देव का एक फ़ोटो, और इधर ये एम जे मार्क का एक स्लेट है, एम जे मार्क का एक फ़ोटो जैसा स्लेट, और इधर है ये बुद्धा पार्क सिक्किम का एक स्लेट, इधर देख पा रहे हैं। और ये है कुछ, ये लाया है, ये है बाइक में लगाने के लिए लाया है, ये इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और ये है एक रियलमी का एक हेडफोन लाया है, ठीक है। तो इसको खोल के दिखाते हैं आपको एक बार इसके अंदर का बुद्ध देव का फ़ोटो को, रुकिए। सो फ्रेंड्स ये है बुद्ध देव का फ़ोटो, कुछ इस तरह दिख रहा है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसलिए लेके आया है सिक्किम की यादें के लिए। ये बुद्ध देव का एक फ़ोटो लाया है इधर, और ये एम जे मार्क का एक स्लेट फोटो पेस्ट, और इधर देख पा रहे हैं ये बुद्ध सिक्किम पार्क का है, और इधर ये रियलमी का एक हेडफोन लाया है, और ये इसको क्या बोलते हैं ये तो नहीं पता। ये तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं मैं सिक्किम से ये सब चीज़ें सिक्किम की मेमोरी के लिए लेके आया हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं ये लाया हूँ बुद्ध पार्क सिक्किम, और ये एम जे मार्क का, और ये बुद्ध देव का एक फ़ोटो, और यहाँ पे हेडफोन लाया हूँ, और ये इसको क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।